हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास रियलमी 35G स्मार्टफोन, और आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग रियलमी 35G स्मार्टफोन में आप लोग 5G नेटवर्क सेटिंग को किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इस स्मार्टफोन के अंदर 5G को चला सकते हो। 5G नेटवर्क मोड के बारे में हम आपके पे बताएंगे आपको किस तरीके से करना है, कौन सी सेटिंग करनी है, और आप लोग किस तरीके से आप लोग इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोग 5G नेटवर्क चला सकते हो, 5G यूज़ कर सकते हो। तो 5G नेटवर्क सेटिंग की सारी जानकारी हम आपके यहाँ पे देने वाले हैं। आपको किस तरीके से करना है, कौन सी सेटिंग करनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको यहाँ पे 5G नेटवर्क चलाने के लिए सिंपली से क्या करना है, आपको आ जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग ऐप में। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन के सेटिंग ऐप में आ जाता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली से आपको मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे दो सिम कार्ड के ऑप्शन मिलेंगे, SIM 1 और SIM 2। तो आपको जिस सिम में 5G चलाना हो सिंपली उस सिम के ऊपर क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे SIM 1 में चलाना है, तो मैंने SIM 1 में क्लिक कर दिया है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले तो एक वाल्ट कॉल का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको वाल्ट कॉल के ऑप्शन को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो फ़ोन का नेट है वो थोड़ा सा ठीक चलेगा, एंड डाटा रोमिंग वाली जो सेटिंग है उसको भी आपको ऑन रखना है। डाटा टर्न ऑन यहाँ से आपको कर देना है। उसके बाद आपको मेन पॉइंट क्या है, अपना मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रीपेड नेटवर्क टाइप, तो सिंपली से आपको प्रीपेड नेटवर्क टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, 4G 3G 2G ऑटो, 5G 4G 3G ऑटो। तो आपको क्या करना है, सिंपली 5G चलाना है। तो आपको सिंपली पहले नंबर के ऑप्शन पे 5G ऑटो पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या कि इससे आपका जो फ़ोन है वो आपका फ़ोन 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है बैक। आने के बाद आप चाहो तो 5G यूज़ हेल्प भी ले सकते हो। अगर ये यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से 5G यूज़ हेल्प लेके भी 5G नेटवर्क को ला सकते हो और 5G नेटवर्क चला सकते हो। तो देखो तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी कर सकते हो, एंड उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन के अंदर आप आसानी से 5G को चला सकते हो।